मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 जेनेटिक्स, जिसमें से बोर्ड में 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो हम बात कर रहे थे बेटा जेनेटिक्स के अंदर आनुवांशिक शब्दावली, यानी जेनेटिक टर्मिनोलॉजी, यानी हमें मेंडल्स के नियम या आनुवांशिकता पढ़ने के लिए हमें कुछ शब्दावलियां या परिभाषाएं पढ़नी होंगी। उन परिभाषाओं की हम डिटेल कर रहे थे। इनमें से हमने काफी परिभाषाएं पढ़ी, जिनमें सबसे पहले आपने बात की थी जीन। जीन है क्या, यह आपने कल पढ़ लिया था। जीन युग्म विकल्पी, सम युग्मजी, विषम युग्मजी, लक्षण प्रारूप, जीन प्रारूप, प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण, एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण और बहुसंकर संकरण। ये जो शब्दावलियां हैं, परिभाषाएं हैं, ये आपने सबने पढ़ ली थी। और इन्हीं शब्दावलियों को, कुछ और शब्दावलियां हैं, परिभाषाएं हैं जो मैं आगे पढ़ाने जा रहा हूं। इन सभी शब्दावलियों को, परिभाषाओं को पढ़ने के बाद आप मेंडल के नियम या आनुवंशिकता के प्रयोग पढ़ पाएंगे। ठीक है बेटा, तो लेट्स नाउ स्टार्ट नंबर 13 डेफिनेशन। आज हम बात करते हैं टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण। ठीक है बेटा, देखो क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखोगे आप। तो अगली जो टर्मिनोलॉजी है, आपने यहां तक लिख ली थी बेटा, बहुसंकरण तक। नेक्स्ट जो आज हम बात कर रहे हैं 13, और इस शब्दावली को कहते हैं परीक्षण संकरण। परीक्षण संकरण, इसको इंग्लिश में कहते हैं टेस्ट क्रॉस। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखें आप, इसमें लिखो आप वह संकरण जिसमें एफ वन पीढ़ी का संकरण, मतलब क्रॉस, F1PD का संकरण अप्रभावी जनक से कराया जाता है। वह संकरण जिसमें F1PD का संकरण अप्रभावी जनक से कराया जाता है, उसे परीक्षण संकरण कहते हैं। देखिए बेटा, इसको हम आगे भी परिभाषा को उदाहरण देकर पढ़ेंगे। अभी आपको मैं केवल शब्दावली बता रहा हूं, परिभाषा आगे हम इसको उदाहरण देकर भी पढ़ेंगे। ठीक है, अगली परिभाषा आप लिखेंगे संकर पूर्वज संकरण। ठीक है, ऐसे कहते हैं पश्च संकरण, और इंग्लिश में कहते हैं इसको बैक क्रॉस यानी संकरण। ठीक है, अब इसको कैसे लिखोगे आप, बिल्कुल कुछ नहीं करना। जैसे परीक्षण संकरण में आपने F1PD का क्रॉस अप्रभावी से जनक से किया, लेकिन बैक क्रॉस में क्या होता है कि जो F1PD का क्रॉस है वो किसी भी जनक से, चाहे वो प्रभावी हो या अप्रभावी हो, किसी एक जनक से करा दिया जाता है। तो परिभाषा आप लिखें इसमें वह संकरण जिसमें F1PD का क्रॉस प्रभावी या अप्रभावी, चाहे वो डोमिनेंट हो या रेसेसिव हो, कोई सा भी जनक हो, प्रभावी या अप्रभावी जनक से करा दिया जाता है, इसे संकर पूर्वज संकरण या बैक क्रॉस कहते हैं।
संकर पूर्व संकरण या बैक क्रॉस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन देखें आप, नेक्स्ट 15, व्युत्क्रम संकरण। व्युत्क्रम संकरण इसे इंग्लिश में कहते हैं रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल क्रॉस। देखो इसमें कुछ नहीं, केवल जो जनक हैं मेल फीमेल उनकी स्थिति चेंज करनी पड़ती है बस, क्योंकि मेल और फीमेल चाहे वो प्रभावी है प्रभावी कैसे भी हो, यदि हम उनकी स्थिति चेंज कर दें तो F1 जनरेशन में वही पीढ़ी प्राप्त होगी। जैसे मैं इसकी परिभाषा कहूं तो आप लिखें, वह संकरण जिसमें, वह संकरण जिसमें, जैसे एक पादप लिया ए पादप और दूसरा लिया बी पादप, ठीक है, तो अभी हमने ए पादप को क्या मान लिया नर और बी पादप को क्या मान लिया मादा, एक प्रयोग के अंदर से, ठीक है, उपयोग कर लिया। अगली कंडीशन में क्या करें, अगली कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो ए पादप है ए पादप को क्या मानेंगे मादा और बी पादप को क्या मानेंगे नर। यदि हम इस कंडीशन में संतान पैदा करें F1 पीढ़ी तो वही आएगी, यानी यहां से इससे पैदा करेंगे तो F1 पीढ़ी होगी, ठीक है, इनसे पैदा करेंगे तब भी F1 पीढ़ी होगी, तो दोनों से जो प्राप्त पीढ़ी है इनमें कोई अंतर नहीं होगा, तो इसे कहा जाता है रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम संकरण, यानी जनकों की स्थिति को विपरीत कर दिया जाता है। तो परिभाषा लिखें, वह संकरण जिसमें ए पादप को नर तथा बी पादप को मादा जनक के रूप में, बी पादप को मादा जनक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तथा दूसरे संकरण में ए पादप को मादा, यानी हमने उसका उल्टा कर दिया, यहां ए पादप को नर और बी को मादा माना है, अब इसमें क्या करेंगे दूसरे में, ए पादप को मादा तथा बी पादप को नर जनक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, इसे व्युत्क्रम संकरण कहते हैं, इसे व्युत्क्रम संकरण या रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी लें आप, नंबर 16, जिसे हम कहेंगे जनक पीढ़ी, जनक पीढ़ी या पेरेंटल जनरेशन। अब जनक पीढ़ी क्या होती है, यानी संतान उत्पन्न करने वाली पीढ़ी को क्या कहेंगे, जनक पीढ़ी। तो इसकी परिभाषा लिखें आप, लिखो संतति मतलब संतान, संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों का संकरण करवाया जाता है, उन्हें जनक पीढ़ी कहते हैं, मतलब क्या हुआ पेरेंटल जनरेशन का, यानी जनक पीढ़ी वह पीढ़ी है, वह पीढ़ी क्या, माता पिता, मान लीजिएगा माता पिता जो संतान होती है,
तो वह पीढ़ी जिससे संतति पीढ़ी उत्पन्न होती है, संतति पीढ़ी उत्पन्न होती है यानी पेरेंटल जनरेशन के द्वारा एक न्यू जनरेशन बॉर्न होती है। यह न्यू जनरेशन बॉर्न वाई पेरेंटल जनरेशन, यानी एक न्यू जनरेशन बनती है किससे? जनक पीढ़ी से। तो हम कहेंगे वह पीढ़ी जिसके द्वारा संतति पीढ़ी प्राप्त होती है उसे कहते हैं जनक पीढ़ी। अब देखो, जनक पीढ़ी से जो प्राप्त हुई पीढ़ी वो संतति पीढ़ी हुई। भाई जिस पीढ़ी से संतान प्राप्त हुई वो जनक पीढ़ी, लेकिन जो जनक पीढ़ी से प्राप्त हुई वो संतति पीढ़ी। अब एक होती है F1 पीढ़ी और एक होती है F2 पीढ़ी, ठीक है। तो जनक पीढ़ी से प्राप्त प्रथम संतान ये पीढ़ी को कहते हैं, क्या कहेंगे? F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी जनकों के संकरण से प्राप्त प्रथम पीढ़ी को, जनकों के संकरण से प्राप्त प्रथम पीढ़ी को कहेंगे F1 पीढ़ी, और जो द्वितीय पीढ़ी प्राप्त होगी उसे कहेंगे F2 पीढ़ी। तो इसको लिख लीजिएगा फटाफट। पहले आप जनक पीढ़ी में लिख लिया आपने कि संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों में संकरण कराया जाता है उसे जनक पीढ़ी कहते हैं, ठीक है। अब देखो F1 पीढ़ी, नंबर 17, F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी में लिखो, क्या लिखोगे? जनकों के संकरण से, जनकों के संकरण से प्राप्त प्राप्त F1 पीढ़ी को, जनकों के संकरण से प्राप्त F1 पीढ़ी को प्राप्त प्राप्त F1 पीढ़ी को, यानी इसे प्रथम संतानी पीढ़ी कहते हैं। जनकों के संकरण से प्राप्त प्रथम पीढ़ी करो इसको, प्राप्त प्रथम पीढ़ी को F1 पीढ़ी कहते हैं, ठीक है। जनकों के संकरण, अब जनक कौन? माता पिता या नरमादा? नरमादा के संकरण से प्राप्त प्रथम पीढ़ी को F1 पीढ़ी कहेंगे, यानी किसी भी जनक की पहली संतान F1 पीढ़ी है और दूसरी संतान F2 पीढ़ी है। नेक्स्ट लिखो F2 पीढ़ी, तो क्या कहेंगे यहां पर? जनकों के संकरण से, जनकों के संकरण से प्राप्त, जनकों के संकरण से प्राप्त द्वितीय पीढ़ी को F2 पीढ़ी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट शब्दावली लिखेंगे आप, संकर एक संकरण पात, एक संकर अनुपात। अब देखिए, एक होता है एक संकरण रेशो और एक होता है द्विसंकरण। तो एक संकरण परिभाषा लिख लें, एक संकर संकरण से, एक संकर संकरण से, संकरण का मतलब होता है क्रॉस, जिनमें दो भिन्न भिन्न जाति के लक्षण हो, एक संकर संकरण से प्राप्त अनुपात को, ये कहां से आएगा अनुपात रेशो कहां से आएगा? एक संकरण से, यानी हमने एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया और उससे जो रेशो आएगा वो कहलाएगा एक संकर अनुपात। तो परिभाषा में आप लिख लें, एक संकर संकरण से प्राप्त अनुपात को एक संकर अनुपात कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट टर्मिनोलॉजी, लास्ट सेकंड लास्ट, इसमें लिखें आप द्वि संकर अनुपात। तो कुछ नहीं, एक की जगह दो कर दें, इसमें यहां दो कर दीजिए बस,
और इसमें लिख दीजिएगा द्विसंकर संकरण से द्विसंकर संकरण से प्राप्त अनुपात को द्विसंकर अनुपात कहते हैं। द्विसंकर अनुपात कहते हैं, ठीक है। एक लास्ट डेफिनेशन और पढ़ोगे आप, जिसे मैं कहूंगा सुजननिकी। इस इंग्लिश में कहते हैं उगेनिक्स। सुजननिकी क्या है? वैसे देखा जाए तो ए ब्रांचेज ऑफ साइंस इन विच इम्प्रूव जेनेटिक करेक्टर, ठीक है, यानी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जो मानव जाति के आनुवांशिक करेक्टर हैं उनमें सुधार का अध्ययन किया जाता है। तो हम कहेंगे कि द ब्रांचेज ऑफ साइंस इन विच स्टडी इम्प्रूव जेनेटिक करेक्टर ऑफ ह्यूमन बींग्स। यानी आप इसकी परिभाषा लिख दें, विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव जाति के आनुवांशिक सुधार का अध्ययन मानव जाति के आनुवांशिक सुधार का अध्ययन किया जाता है।